हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आज आप लोगों को मैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 2 को कराने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है? yes, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ में दिया हुआ है, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, ठीक है? वॉज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल सेफ लाइक ए सिलेंडर। एक उसने क्या क्या है, एक सिलेंडर टाइप, एक सीट से, सीट से क्या बनाया उसने, सिलेंडर टाइप या कोई भी चीज़ मेटल बनाया, ठीक है ना, कुछ मेटल से उसने, विद टू कोन अटैच। उसमें क्या किया उसने, टू कोन को क्या कर दिया उसने, अटैच कर दिया, ठीक है? दो कोन को अटैच किया हुआ है। यहाँ पे देखिए, मैंने इसको डायग्राम को बना दिया आपका। यहाँ में जो बताया आपका मॉडल सेफ लाइक ए सिलेंडर, सिलेंडर को बनाया, उसके बाद में टू कोन, दोनों साइड में उसका क्या है, कोन शेप का बनाया हुआ है, ठीक है ना? आपका दिया हुआ है, इट्स एंड यूजिंग ए थिन एल्यूमिनियम सीट। क्या सीट से बनाया उसने, एल्यूमिनियम सीट से बनाया है, ठीक है ना? द डायमीटर ऑफ मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। उसका डायमीटर कितना है आपका, 3 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर। एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। लेंथ कितना है उसका टोटल, जो आपका सिलेंडर, इस चीज़ को समझने के लिए आप लोग कोशिश कीजिए, ये टोटल सिलेंडर है, ये सिलेंडर जो है और ये दोनों कोन को मिलाकर टोटल इसका हाइट दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, ठीक है? आप लोग इस जगह में आप लोग का कन्फ्यूजन होता है, यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना है आप लोगों को, ठीक है? ये टोटल हाइट दिया है 12 सेंटीमीटर आपका, ऑलरेडी यहाँ में दिया हुआ, गिवन टोटल इसका जो भी डायग्राम बनाया है, ठीक है ना, या तो कोई भी मॉडल बनाया है, इसका 12 सेंटीमीटर दे दिया हाइट। इफ ईच कोन हैज ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, इसका कोन का जो हाइट है कितना दिया आपका, 2 सेंटीमीटर, ठीक है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कॉन्टेंट इन द मॉडल दैट्स रेकल्स मैट्स, ठीक है? तो अभी हम लोगों को निकालना है, ये जो मॉडल है, ये जो बनाया है कुछ भी सीट से आपका, मेटल से बनाया हुआ है, इसका अंदर में एयर कितना है, फुल है, ठीक है ना? हम लोगों को वो निकालना है। तो कभी भी आपका डायग्राम, इसको फिर से और एक बार देखिए, मैं डिटेल्स में जा रहा हूँ फिर से। आपका दिया हुआ है जो बनाया उसने, अभी डायग्राम को ही देख लीजिए आप, टोटल हाइट कितना है आपका सिलेंडर का, 12 सेंटीमीटर। टोटल डायग्राम कोन एंड सिलेंडर को मिलाकर 12 हाइट हो रहा है आपका, टोटल हाइट हो रहा है आपका 12 सेंटीमीटर, एंड कोन का हाइट हो रहा है कितना आपका, 2 सेंटीमीटर, ठीक है, दोनों साइड में। अभी हमको निकालना है क्या आपका, यहाँ पे हम लोग को सिलेंडर का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग को सिलेंडर का हाइट निकालना पड़ेगा, ठीक है? तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, हम लोग को जरूरत पड़ेगा डायमीटर ऑफ द कोन, कितना दिया हम लोग का, 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना? डायमीटर ऑफ द कोन 3 सेंटीमीटर, यहाँ मैंने लिख दिया डायमीटर ऑफ द कोन 3 सेंटीमीटर, ये भी देख लीजिए आप लोग, ठीक है? डायमीटर ऑफ द कोन 3 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ द कोन इज इक्वल टू 3/2। अगर 3/2 करते इसको कैंसिल कर देगा तो कितना हो जाएगा हम लोग का, 1.5, यानी कि इसका डायग्राम में आपको शो कर देता हूँ, यानी कि इसका कितना हो जाएंगे आपका 1.5, ठीक है, रेडियस। हम लोगों को क्या चाहिए, अभी हम लोगों को सिलेंडर का टोटल हाइट दे दिया डायग्राम का, अभी हमको निकालना है क्या आपका, सिलेंडर का हाइट निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल 12 माइनस 2 माइनस 2, ठीक है? इसको देख लीजिए अच्छा से आप लोग, कैसे हम लोग सिलेंडर का हाइट को निकालेंगे, यानी कि 12 हो गया, माइनस माइनस से हमें क्या हो रहा है आपका, दो साइड का कोन है ना, दोनों कोन का हम लोग हाइट को ले लिया, 2 माइनस 2, माइनस माइनस क्या हो रहा है आपका, प्लस हो रहा है, दोनों का अगर प्लस करेंगे तो कितना हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, तो 12 से 4 माइनस किया तो कितना हो गया आपका, 8। तो देख लीजिए यहाँ पे, मैं डायग्राम में फिर से जा रहा हूँ मैं, ये 2 सेंटीमीटर कोन का हाइट था, यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर कोन का हाइट था, और यहाँ में हम लोग का 12 कितना दे दिया आपका, टोटल डायग्राम का दे दिया, ठीक है ना? तो हम लोग का रेडिया, इसका हमें सिलेंडर का हाइट चाहिए था, तो ये हम लोग का सिलेंडर का हाइट निकल गया, दोनों को क्या कर दिया हम लोग, प्लस करके इस 12 का साथ में हम लोग माइनस कर सबट्रैक्ट कर दिया, ठीक है ना? तो आपका क्या का हाइट निकल गया हम लोगों का, सिलेंडर का हाइट निकल गया, ठीक है? आपको ये मेन चीज़ था, आपको इसको निकलना है। अभी हम लोगों को हाइट मिल गया, रेडियस मिल गया, ठीक है ना? अभी हम लोगों को क्या करना है, फॉर्मूला में यूज़ करना है, वॉल्यूम निकालना है हम लोगों को, ठीक है? वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द मॉडल, यानी कि इसमें कितना एयर प्रेजेंट है, भर्ती है, उसको निकलना है ना? तो इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है?
फॉर्मूला लिख, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द मॉडल इक्वल साइन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सिलेंडर, और आपका कौन कितना था हम लोगों का, टू था, तो इसमें क्या करेगा, दोनों एक ही साथ में जुड़ा हुआ है ना, इसलिए टू करेंगे, टू इंटू, इसको समझ लीजिए, टू इंटू वॉल्यूम ऑफ कौन। अभी देखिए हम लोग इसको तीन पार्ट में भी कर सकना था, दो कौन को अलग अलग निकालना था, एक सिलेंडर को अलग से निकालना था, फिर प्लस करना था, ठीक है ना, तो लेंथी हो जाएंगे क्वेश्चन। तो आप लोगों को सीबीएसई का आप लोग का जो एग्जाम है, आप लोग को शॉर्ट टाइम मिलता है, आप लोगों को क्वेश्चन जितना से आप लोग शॉर्ट से शॉर्ट करने के लिए कोशिश कीजिए, ठीक है। इसको थ्री पार्ट में निकाल सकते, लेकिन मैं इसको एक ही पार्ट में सॉल्व करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। तो इसका अभी निकालना है वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द मॉडल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस, यही में कर दिया हम लोगों ने, टू इंटू वॉल्यूम ऑफ कौन। तो आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है बताइए तो थोड़ा, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ में क्या दिया हम लोग का, प्लस प्लस का प्लस टू वॉल्यूम ऑफ कौन का फॉर्मूला क्या हम लोग का, वन बाई थ्री पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अभी इसमें हम लोग का कॉमन क्या हो रहा है, पाई पाई कॉमन हो रहा है, हम लोग का पाई कॉमन हो रहा है, आर का स्क्वायर कॉमन हो रहा है, आपका बच रहा है क्या, यहाँ पे देखिए पाई यहाँ पे दोनों कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर दोनों कॉमन ले लिया, बच गया यहाँ पे क्या आपका एच, क्या बच गया प्लस टू, और क्या बच गया हम लोगों का टू बाई थ्री एच, क्योंकि ये टू वन जा टू क्या हो रहा है, टू वन जा टू वन जा टू, ठीक है। बाई क्या है हम लोग का थ्री है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं हो रहा होना है, देख लीजिए ये टू वन जा टू कर दिया टू बाई थ्री, अभी क्या बच गया आपका, क्या बच गया हम लोगों का, हाइट बच गया, एज बच गया, ठीक है। तो हम लोग इसको एज को लिख देते हैं, अभी क्या करना हम लोग वैल्यू, इसको जो वैल्यू है यहाँ तक आप लोग क्लियर है, कुछ डाउट है आप लोगों का। अभी हम लोग सबसे पहले सिलेंडर का फॉर्मूला को डाल दिया, फिर हम लोग कौन का फॉर्मूला को डाल दिया, यहाँ में जो टू आया क्योंकि दोनों साइड में हम लोग कौन था ना, इसलिए टू और एक ही कौन का फॉर्मूला को हम लोग यूज़ किया, ठीक है। अभी ये दोनों से जो कॉमन मिला हम लोग का पाई और आर स्क्वायर का कॉमन ले लिया, बच गया यहाँ पे एच, एच को ले लिया प्लस टू का टू, क्योंकि दो कौन था, इसको टू का टू है हम लोगों का, तो इसको जब कॉमन ले लिया तो क्या बच गया हम लोगों का, वन बच गया था, वन बाई थ्री एच बच गया था, तो टू वन जो टू कर दिया टू बाई थ्री एच, ठीक है। कुछ भी डाउट है आप लोगों का, पाई का वैल्यू कितना होता है हम लोगों का 22/7, रेडियस कितना हो रहा है हम लोगों का, रेडियस कितना हो रहा है 1.5 निकल गया था हम लोगों का, 1.5 इंटू 1.5। आपका हाइट कितना हो रहा है हम लोगों का, हाइट हम लोग का सिलेंडर का निकल चुका था ना, क्यों फर्स्ट हम लोग सिलेंडर का फॉर्मूला लिखा था, तो एच का जगह में हम लोग क्या बैठाएंगे 8 प्लस 2/3, ठीक है। आपका अभी यहाँ पे क्या बैठेंगे, कौन का हाइट कितना था हम लोगों का, टू था, कौन का हाइट कितना था हम लोगों का, टू था, कुछ कन्फ्यूजन। अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं 22/7 इंटू, पॉइंट को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, डेसिमल को हटाने के लिए बाय 10 कर सकते हैं हम लोग, बाय 10 इंटू 15/10 कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अभी यहाँ पे 8 का 8 प्लस 2 जा 4/3, यहाँ तक आप लोग का क्लियर है, ठीक है। अब इसको आगे मैं यहाँ कर देता हूँ, यहाँ पे आप लोग का कैंसिल हो रहा है, इसको एक स्टेप में लिख रहा हूँ, यहाँ पे 22/7 इंटू 15/10 इंटू 15/10, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो कितना होता है हम लोगों का, एलसीएम कर सकते हैं इसको हम लोग, यहाँ पे करेंगे हम लोग कितना हो जाएंगे 3 3 = 24 24/+4 ना, कुछ कन्फ्यूजन है, अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, 5 से कैंसिल हो रहा है हम लोगों का, क्या से कैंसिल हो रहा है आप लोगों का, 5 2 जा 10,
फाइव थ्री जा फिफ्टीन, फाइव टू जा टेन, फाइव थ्री जा फिफ्टीन। अभी यहाँ पे और आप लोग टू वन जा टू, टू इलेवन जा ट्वेंटी टू, और कुछ कैंसिल हो रहा है इसको, यहाँ तक हम लोग यहीं तक लिख देते हैं हम लोग। इलेवन इलेवन बाई सेवन इंटू थ्री बच गया था ना हम लोग का, थ्री बाई थ्री इंटू थ्री बाई वन ना, इंटू थ्री बाई टू ना। अभी क्या हो गया यहाँ पे, दोनों का अगर प्लस कर देते तो कितना होता है, ट्वेंटी फोर प्लस फोर कितना हो जाएंगे, ट्वेंटी एट, ट्वेंटी एट बाई थ्री, ठीक है। अभी अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, थ्री थ्री से क्या हो रहा है, नाइन, नाइन इंटू इलेवन नाइन्टी नाइन बाई कितना हो रहा है हम लोग का, सेवन टू जा फोर्टीन इंटू ट्वेंटी एट बाई थ्री, ठीक है। अभी कैंसिल हो रहा है हम लोगों का, क्या से कैंसिल हो रहा है हम लोग का, थ्री वन जा थ्री, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री थ्री जा नाइन। अभी फिर ये कैंसिल हो रहा है हम लोगों का, फोर्टीन वन जा फोर्टीन, फोर्टीन टू जा कितना हो रहा है, ट्वेंटी एट, ठीक है। तो थर्टी थ्री इंटू टू करके करते हैं तो हम लोग कितना होता है, सिक्सटी सिक्स। हम लोग का ये आंसर निकल चुका है हम लोग का, यहाँ तक आप लोग का डाउट क्लियर है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आएगा। एनी प्रॉब्लम, कुछ भी अगर समझ में नहीं आया तो हम मुझे आप लोग कॉमेंट कीजिएगा, समझ में अगर आ गया तो आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आई होप समझ में आया हो आप लोगों का, थैंक यू।